ओम शांति। मैं शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न आत्मा हूँ। इस सम्मान में स्वयं को स्थित करें। विचार कीजिए, प्यारे शिव बाबा ने मुझ आत्मा को अपना बनाकर मेरी सारे विचारों की धारा को बदल दिया है। मेरे मन में सारे संसार की आत्माओं के लिए बाप समान ही शुभ भावना और शुभ कामना समाई हुई है। प्यारे शिव बाबा ने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान दिया है कि मैं आत्मा रहम दिल हूँ, दाता हूँ, वरदाता हूँ अन्य आत्माओं की, भाग्य विधाता हूँ। तो मेरे हृदय में सब के लिए बेहद अपनापन है, स्नेह है, सहयोग की भावना है। टिका लें अपने आप को बाप समान स्थिति में। एक ऊंच आसनधारी बन जाएं कि मैं आत्मा बाप समान सबके प्रति शुभ कामना ही रखने वाली हूं। मेरा चित हमेशा सबके प्रति दुआओं से भरा है, चाहे कोई कैसी आत्मा भी हो, मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मेरे मन के अंदर उसके लिए भी शुभ भावना ही समाई रहती है, क्योंकि मुझे मेरे मीठे बाबा ने ये श्रेष्ठ ज्ञान दे दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना स्वभाव संस्कार है। हर कोई अपने स्वभाव संस्कार के आगे अधीन हो जाती है। हर आत्मा अपने हिसाब से वो जो भी करती है सही ही करती है, क्योंकि आज कलयुग ने आत्माओं को रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका ज्ञान भूल गया है। इसलिए हर कोई आत्मा यहां जो भी कर्म करती है देहाभिमानवश वो विकर्म बन जाता है। तो मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है कि सभी जो ऐसी आत्माएं हैं उनके प्रति मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, बल्कि रहम का भाव, प्रेम का भाव, सहयोग का भाव आना चाहिए। तो मेरे हृदय में सब
सब के प्रति प्रेम भाव समाया है, सहयोग की भावना समाई है, अपनेपन की भावना समाई है। अपने सामने उन आत्माओं को इमर्ज कीजिए जिनके प्रति आपके कुछ संकल्प चलते हों, कुछ व्यर्थ आता है, लाएं उनको सामने और देखिए, उनके बारे में सोचिए कि ये आत्मा जब सृष्टि रंगमंच पर पहली बार आई तो इसका स्वरूप बहुत ही सुंदर था। ये सत्व प्रधान स्टेज में थी, लेकिन धीरे धीरे इस आत्मा के अंदर बुराइयां आ गई और ये आत्माएं बुराइयों के वशीभूत हो गई। इसलिए ये रहम के पात्र हैं, क्षमा कर दीजिए उनकी गलतियों को, क्षमा करें, दिल से माफ करें, साथ ही साथ भूल भी जाएं, शुभ भावना से भर दे अपने हृदय को। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना समा ले अपने अंदर, क्योंकि ये आत्माएं समय आने पर स्वयं ही बदल जाएंगी। ऊंची दृष्टि रखें सबके लिए, अपने आप को शुभ भावनाओं की शक्ति से शक्तिशाली बनाइए, क्योंकि आत्मा के अंदर शुभ भावना और शुभ कामना जब समाई होती है तो वो आत्मा संसार में सबसे बलवान होती है। तो अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, अपने हृदय को बाप समान क्षमाशील बनाए, निर्दोष दृष्टि बनाए, निर्मल मन को बनाए। यही मुझ आत्मा के शुभ चिंतक बनने का आधार है और मीठे बाबा का बार बार शुक्रिया कीजिए कि बाबा ये शुभ सोचने की कला आपने ही मुझे सिखाई है, इसके लिए आपका बार बार शुक्रिया है। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, बार बार शुक्रिया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।